सेवा सुरक्षा सहयोग का दम भरने वाली पुलिस की एक और दूसरी तस्वीर भी देखने को मिली है। एक किसान के खाते से हैकर्स ने 1,60,000 रुपए निकाल लिए। रुपए निकाले जाने की सूचना किसान को मिली तो वो केस दर्ज करवाने के लिए 5 दिनों तक झोजू चौकी में चक्कर लगाता रहा। 5 दिन बाद भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया और उसे खुद का अधिकार क्षेत्र न होने की बात कहते हुए बादड़ा थाने भेज दिया। पीड़ित किसान थाने तो पहुंचा, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यहां भी उसका काम हो पाएगा या नहीं। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लाजमी है। इस मामले में जब DSP से बात हुई तो उन्होंने तुरंत संबंधित चौकी इंचार्ज को केस दर्ज करने के लिए कहा। रविंदर नाम है, मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ जी। मेरा बैंक अकाउंट झोजू में है, SBI बैंक में है, और मेरे 3, 4, 5, 6 लगातार 4 दिन तक मेरे ATM मतलब खाता से पैसे निकाले गए। अब कैसे निकाले गए पता नहीं, मेरे को तो मैसेज भी आया था लेकिन मेरे को तो पता नहीं कैसे आया कैसे नहीं। मैं तो एक दूसरे भाई को दिखाया तो उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपके पैसे निकल गए। मैं बैंक में गया, बैंक में जाके मैनेजर से बात की तो उसने दिखाया भाई हाँ आपके पैसे निकले हैं। उसने बैंक से डिटेल निकाल के दे दी। मैं झोजू चौकी में मतलब FIR के लिए गया तो वहाँ पे 4-5 दिन हो गया, वहाँ से चक्कर काट के आखिर में ये बोला भाई आपका बाड़ा थाना में होगा। अब आज मैं बाड़ा थाना में पहुँचा हूँ, देखो जी अब इधर ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं जी। 1,60,000 रुपये अकाउंट से निकले हैं जी, 4 दिन तक अलग अलग से बैंक से पता चला जी। मैंने काफ़ी वो निकलवाई थी बिहार से, ये अलग अलग 4 ATM से निकले हैं जी। ATM मेरे पास है, मेरी बैंक की कॉपी मेरे पास है। ATM को 6-7 महीने से हो गया जी, मैंने यूज भी नहीं किया है। अब मैं तो गरीब आदमी हूँ जी, अब क्या करें, मैं परेशान हूँ जी। ना कहीं कोई किसी तरह की मदद मिल रही है जी, चौकी से थाना से मैं तो परेशान, पहली बार काम पर है, सब कुछ मेरे को तो महाभारत लग रहा है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस TV।